नमस्कार। घरेलू उपाय और स्वदेशी चिकित्सा के आज के इस सत्र में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम यहाँ पर कुछ ऐसे घरेलू उपाय के विषय में चर्चा करेंगे जिनकी हमें समय समय पर, जैसा कि मौसम परिवर्तित होता है, आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहला उपाय है बुखार के लिए। जिन लोगों को बुखार की शिकायत रहती है, उन लोगों को प्रतिदिन 10 तुलसी के पत्ते लेना है, 5 काली मिर्च लेकर उसके चूर्ण बनाना है और 5 बूंद अदरक लेना है। इन तीनों को आप मिला लीजिए और मिलाने के बाद में इसको दिन में 2 बार सेवन कीजिए और इस प्रयोग को आप 7 दिन तक दोहराते रहिए। आपको किसी भी प्रकार का बुखार हो, उससे आप 7 दिन के बाद मुक्त हो सकते हैं। दूसरा उपाय कमजोरी से संबंधित है। कभी शारीरिक कमजोरी की शिकायत मिलती है तो कभी मानसिक कमजोरी की शिकायत मिलती है तो कभी भावनात्मक कमजोरी की शिकायत मिलती है। और कमजोरी का मूल कारण है मल्टीविटामिन और मल्टीमिनरल की कमी। तो इसकी पूर्ति कैसे की जाए? यदि हम प्रतिदिन 1 गिलास नारियल पानी का सुबह सेवन करें और ऐसा हम 30 से 45 दिनों तक सेवन करते रहे, ऐसा करने से भी शारीरिक और मानसिक कमजोरी दूर हो जाती है। तो मित्रों, ये 2 थे छोटे छोटे उपाय। इन्हें आप नाड़ी वैद्य का परामर्श लेकर उनके मार्गदर्शन में कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ छोटी सी चर्चा समाप्त करते हैं। हरिओम।